बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि आप मेरे थंबनेल को देख के मेरी वीडियो के ऊपर आए हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने दोस्तों और प्यारों को कैसे ईद मुबारक का और मुख्तलिफ स्टाइलिश किस्म के जो चीज़ें बना के बड़ी आसानी के साथ उन्हें सेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना है प्ले स्टोर के ऊपर। प्ले स्टोर के ऊपर जाके आपने लिखना है उर्दू स्टाइलिश नेम मेकर। ये जब आप लिखेंगे तो ये जो स्टाइलिश नाम लिखी है के नाम से ये तीसरे नंबर पे ऊपर ये वाली जो एप्लीकेशन है ये आ रही है, ये वाली आपने अपने मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल करनी है। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं इसे अपने मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल करता हूँ। तो जितनी देर में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है मैं आपको बताता चलूँ कि ये मैंने एप्लीकेशन देखी है, यूज़ की है, तो मुझे बड़ा अच्छा आइडिया लगा कि ये आगे रमज़ान आ रहा है और आगे ईद आ रही है, तो आप इसे इस्तेमाल करके बड़े मुख्तलिफ किस्म के जो टेम्पलेट्स हैं वो बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। तो आपके मोबाइल के ऊपर जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो इस तरह का इसका आइकन बन जाएगा, इसे आपने ओपन करना है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो इसमें एक तो ये जो नीचे गैलरी दिखा रहा है, जब आप गैलरी को क्लिक करेंगे तो आपके ये आपके मोबाइल के ऊपर जो मीडिया फ़ोटो तस्वीरें वगैरह हैं जो आपके खुद अपने यानी कि किसी दोस्त का आपका नाम है, किसी दोस्त का फ़ोटो है उसके ऊपर आप देखना चाहते हैं तो वो आप इसे यहाँ से अलाउ करेंगे तो ये आपकी गैलरी में जो कोई फ़ोटोज़ पड़े हुए हैं वो फ़ोटो एक्सेस करेगी, तो वहाँ से आप फ़ोटो उठा सकते हैं। तो मैं सिंपल जो टेम्पलेट दिए गए हैं इसके अपने टेम्पलेट्स हैं वो टेम्पलेट्स वो देखता हूँ। तो टेम्पलेट्स इसमें आप देखें कि नेकलेस, हार्ट, लेदर, वुडन, बर्थ केक, इसमें वो काफ़ी सारे बने हुए हैं। तो आपके मोबाइल के ऊपर मैं मिसाल के तौर पर अभी बनाना चाहता हूँ जी, इस तरह ये ऐड इसमें आएगा, वो ऐड को आपने बंद कर देना है। टेम्पलेट को उठा लें और इसको मैं उठा लेता हूँ और यहाँ पे अभी मैं टैप करता हूँ, ये देखिए जो राइट साइड के ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ मैं लिखता हूँ तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक मुबारक। तो इसे मैं भी यहाँ पे क्लिक करूँगा इसके ऊपर क्लिक करूंगा जो साथ बना हो, तो ये सारे का सारा जो मैंने लिखा है इसके ऊपर आ गया है। अभी इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, ये देखें रेड हो गया, पिंक, जिस कलर में भी आप चाहते हैं लिखना चाहते हैं उस कलर से आप लिख सकते हैं। ये लिख लिया, ये जो प्लस का निशान नीचे बना आपको नजर आ रहा है इसको आप क्लिक करेंगे तो इसमें आप इसको भी सेव कर सकते हैं। कोई मजीद आप कोई स्टिकर डालना चाहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ जी कि मैंने ये वाला स्टिकर डालना चाहता हूँ, ये वाला स्टिकर आ जाएगा इसमें। अभी ये जो इसको क्लिक करके आप ऊपर ले आएंगे तो इस तरह इसको आप साइड पे करेंगे, यहाँ से ऐसे ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद स्टिकर्स में ये ऐड आ गया है तो आप इस ऐड को भी बंद कर सकेंगे। इस तरह इस्लामी क्लिक करेंगे तो इसमें आप देखेंगे ये रमज़ान करीम आ गया है, ये आप लिख सकते हैं। इस तरह स्टिकर को क्लिक करने के बाद
इस्लामिक सारे ये सारे के सारे इस्लामिक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लव वाले हैं, कैलीग्राफी है, यहाँ पे ई मुबारक और सर के बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। जैसे भी मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये लिखा आ गया मेरे पास। तो इस तरह लाइन्स भी लिखी हुई हैं कि लाइन में आप कौन कौन चीज़ें डाल सकते हैं। अगर आप अपने चीज़ अपने तरफ से कोई चीज़ डालना चाहते हैं इसको क्लिक करेंगे तो ये आप इस पर ऑलरेडी अपने आपका फोटोज़ या कोई एल्बम या गैलरी में से कोई चीज़ आप डालना चाहते हैं वो डाल लेंगे। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ। बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से आप बैकग्राउंड चेंज करेंगे, मैं यही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप इसमें कोई पोइट्री लिखना चाहते हैं, ये जो ऑलरेडी लिखे हुए मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये इसमें ऑटोमेटिकली लिखी आ गई है, ठीक हो गया। तो अभी मैं इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो मैं जब सेव करूँगा तो ये मुझसे पूछ रहा सेव हो गया, मैं PNG या JPG में सेव कर लें और इसे व्यू करें। तो अभी मैं इसको ऐड को क्लोज कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास इस तरह इसका बना आ गया। अभी यहाँ से इसे मैं शेयर कर सकता हूँ, जैसे आप व्हाट्सएप के थ्रू या ब्लूटूथ या जीमेल किसी भी जो व्हाट्सएप में ज़्यादातर हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो फेसबुक पे व्हाट्सएप पे से आप यहाँ से अभी शेयर भी कर सकते हैं। तो मेरी ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल देखो सीखो को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करें। और इसमें आप बहुत से और चीज़ें भी बना सकते हैं, जैसे किसी बंदे का वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं नहीं कर रहा, इसमें आप किसी बंदे का नाम भी लिख सकते हैं। तो दो में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।